अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, आज है छुट्टी का दिन, तो छुट्टी के दिन तो कुछ खास होना चाहिए। इस दफ़ा जो है गर्मी की वजह से हमने अभी तक बारबेक्यू नहीं करी थी, तो आज हमारा दिल चाहता है कि बारबेक्यू करने का। तो हमने सोचा है कि आज हम शाम में बारबेक्यू करेंगे घर में, हम जो चार लोग हैं फैमिली के वो। तो बस जो है अभी उठे हैं, नाश्ता वाश्ता करती हूँ, पहले नाश्ता बन रहा है तो नाश्ता करते हैं पहले, और फिर जो है मसाले वगैरह लगा के सब चीज़ें रेडी करेंगे, और शाम में क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते एंजॉय करते हैं, मज़े करेंगे। और यहाँ पे मेरा छोटा सा बेबी आ गया और वो फुदकियाँ मार रहा है कि मुझे गोद में ले लो। तो ये आ गया छोटा सा बेबी, तो बस अभी यही है। तो देखते हैं, अभी उठते पहले नाश्ता करते हैं और फिर मसाला वगैरह लगाते हैं। तो आज करेंगे बारबेक्यू। और लो भाई, आ गया है नाश्ता। नाश्ते में है मज़ेदार सा आमलेट, पराठा और चाय। चाय मैं बहुत कम पीती हूँ तो इसलिए मेरी थोड़ी सी चाय है। तो बस अभी नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर सफाइयाँ वफाइयाँ करेंगे, तो अब डायरेक्ट मिलेंगे शाम में बोटियों को मसाला वसाला लगा के। क्या हो रहा है? बताना जरा क्या बन रहा है? करपट्टी। गाइज, ये बाल कटा के करपट्टी हो रही है। नई चीज़ आई है करपट्टी। करपट्टी कहाँ तक बाल कटती है? अच्छा, तो करपट्टी और परकट्टी क्या होता है? बेचारी पागल है, इसकी बातों का बुरा ना मानना। करपट्टी वो हम लोगों ने ना इसको गिद्ध बंदर में रखा था कुछ दिनों पहले, कर लेके आए चेक करने के लिए कि सही हुए कि नहीं। 2000 years later. तो जी, ये हो गई हैं हमारी बोटियों में मसाला। ये चिकन में लगाया था मसाला, ये मेरी बेटी ने लगाया है, और मैंने लगाया है बीफ बिहारी बोटियों में मसाला। तो ये दोनों चीज़ों में मसाला हमने लगा दिया है, तो ताकि बस अभी जो है अभी थोड़ी देर में जाके बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने कोयले थोड़े चूल्हे पे सुलगाना शुरू कर दिए थे, और साथ में मैंने बनाने रख दिए थे फ्राइज़, क्योंकि थोड़ा बारबेक्यू के साथ फ्राइज़ वगैरह भी होना तो और मज़ा आता है। तो मैंने कहा इसमें खूब मसाला वसाला डाल के हम मज़ेदार से फ्राइज़ भी बनाएंगे। तो बस इधर मैं फ्राइज़ भी बना रही थी और कोयले भी कर रहे थे, ताकि जो है कोयले थोड़े चूल्हे पे कर लो ना, तो फिर उनको जलाने में ना बड़ी आसानी होती है। ये देखो बारबेक्यू हो रही है, बारबेक्यू बारबेक्यू। बारबेक्यू करेंगी अम्मा, पहले एक सीख लगाते हैं, ठीक है? क्यों? मैं टेस्ट करती हूँ। काफी तेज है, हम तो अंधेरे में रहने के आदी हो गए। अंधेरों की चादर। इतना दूर दूर क्यों लगाती है? क्योंकि हम एक दूसरे से नाराज हैं। किस्मत अच्छी है कि हवा है आज, वरना पता चलता। आग तो बुझाए। आग कैसे बुझाऊं, तो हवा है, जलते हैं ना, बंद कर दो। यहाँ पे चिकन टिक्का लग रहा है, चिकन टिक्का वाला लग रहा है, तंदूरी टिक्का मसाला। ये चिकन टिक्का का मसाला है, ये बिहारी बोटी, और एक सीख हमने यहाँ पे लगा दिए। हमने कहा पहले इसको टेस्ट करके देखेंगे कैसा है, और यहाँ पे हम बैठ के जो है इसकी फिर सीख लगा रहे हैं। ये है ना बाजू, ये तुमसे नहीं लगेगा, लगता है मुझसे, इसको दोस्त में लगाना पड़ता है ना, गलेगा तो वो गल भी जाएगा, इतना मोटा। हल्की आँच पे करेंगे, और यहाँ पे मेहमान आ गए भाई, मेहमान सब बैठे हुए इंतजार में, बोटियाँ बन रही है, दो दो बोटियाँ बन रही है। ये मेरी डोर है देखो ये, और ये भी आए हैं छोटू मेहमान, और यहाँ पे सीखे वीके दोबारा से। हमने कहा पहले एक साथ सब लगा देते हैं, और ये तो हम टेस्ट करने के लिए बना रहे हैं। एक तो हमें भी फर्क बनता है ना कि हम टेस्ट वेस्ट करें कि कैसी बनी है, और हाथ मेरे फुल टाइम गंदे हो चुके हैं। खाली जब डाल ले कोयला डाल ले तो ना मसाला लगाएगा चिकन में, वो तो जब पकती जाती देखा नहीं, वो ऊपर से जो है बुरिश से करके लगाते हैं। हमारे बुरिश नहीं है, अमान कर लिया सफाई पर पूरी। ये
क्या बोलना था बोल रही जो गाना सुना दी थी वो सुना है। जितने सब्सक्राइबर्स है ना उसके आधे अरे आपको क्या पता फैंस है मेरे फैंस फैंस माने झंड सुनाओ जाने वफा हो के बे नहीं मैं इतना क्यों दिल तो क्या हमारे कोई दिल थोड़ी तो कौन सूर फूक रहा है बोलो को करते अखियां मिलाए मेरी जा तू मेरी बन जा यार कैसे कैसे गाने आ रहे हैं जबरदस्त। और सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है बताना मुस्कान तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है सबसे ज्यादा आजकल आजकल के लिहाज से अनुव जैन के सारे गा के सुनाओ गा के आपकी वॉइस आनी चाहिए हुसन अच्छा लगता है बारिश है तो सुनाओ तो सही बस शौक था ना गिटार पे गाना गाने का इस पे गा के सुनाइए आप गिटार पे आपकी असली आवाज दब जाती है हाँ तो जरा आवाज आवाज होती है वो कहीं पे भी आपकी आनी चाहिए मुझे एक वो गाना बहुत अच्छा लगता है थारा पैसा थारी गाड़ी थारा बंगला थारा ना तुम ही रखो जी आई लाइक इट आजकल की औरतों को एक सॉन्ग गाने चाहिए ओके ओके और ये इतना खूबसूरत फिल्टर और ये देखे मेरी बेटी वाओ इधर तो देखो इधर जल्दी देखो बहुत प्यारी लग रही हो बहुत प्यारी के बस मैं अपने आप को दिखा नहीं सकती वरना मैं भी दिखाती थी मैं देखो मैं कैसी लग रही हूँ अच्छी लग रही है उससे थोड़ी ज्यादा अच्छी तुम भी वैसी आप सुनाओ कोई अच्छा सा गाना बहुत प्यारी अच्छा तस्वीर वो वाला सुनाओ लकड़ी की काटी लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा ओ माय गॉड आज बारबेक्यू का सीन ऑन है आज बन रही है बारबेक्यू दिखाते हैं हम आपको ये देखे मजे मजे ओ माय गॉड ग्रीन बोटियां खाएंगे हम ये देखिए हम लोग आज ग्रीन ग्रीन बोटियां खाएंगे पीले पीले कोयले और ये देखिए आज हमारे घर में ग्रीन ग्रीन बोटियां बन रही है कौन कौन खाएगा बोटियां आ जाओ जल्दी आज आपको आतिफ मेरे हस्बैंड गाना सुनाएंगे अच्छा सा सुनाना कौन सा सुनाऊं जीवन के दिन सुना दो अच्छा आपका फेवरेट है ना माय फेवरेट सॉन्ग है ना सुनाना मैं तुम वीडियो डाल दो तो वो तो डलेगी अभी मैंने भी गाया अभी मानो ने भी गाया अब है आतिफ की बारी देखो कैसी आ रही वीडियो लाइट देख रहे हो अब लाइट लाइट कैमरा एक्शन खूबसूरत होता जा रहा है मेरे भैया तो दिल ब दिल खूबसूरत जल नहीं रही हो गर्म कर रही हो चुकी थी मैंने गर्म करने रख दिया उसके बाद हम ये वाले शिखर रखेंगे मैंने कहा थोड़ी थोड़ी करके बनाते हैं ताकि खाते रहते हैं जो बच जाएगी फिर वो हम रख देंगे यार गर्म वो एक गिर गई ना नीचे सारी ऊपर की काली हो रही है ए, मेरे ब्लॉग में मेरी बुराइयां नहीं करो सिर्फ अच्छाइयां करनी चाहिए नॉट बुराई जी तो बारबेक्यू रेडी हो गया है रायता और मज़ेदार सी चटनी के साथ हम बिहारी बोटी और टिक्का खाएंगे तो बस अब खाते हैं खाना और इस ब्लॉग का यहीं करती हूँ एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।